सारी बाती जानते हैं कि अपने हमारे सबके श्रद्धेय बाल कृष्ण जी महाराज वो जंगल से जड़ी बूटियां लाते हैं और करोड़ों लोगों को ने देसी जड़ी बूटियों से दूर भगाए हैं। दूसरी कली में आयुर्वेदिक का जिक्र करते हुए कैसे भला
सब देसी कोए अपना टूट पेट सही दंत कांति दांतों को चमकाना देश का पैसा रहे देश में ऐसे कदम उठाना देश का पैसा गुरु मिले महाराज ईश्वर यारी ये विद्वान मैदान में जो भी कुछ होया था उस समय स्वामी जी के चरणों में गए थे और फाइल पर रखी है। उस समय स्वामी जी ने ये उस दिन का पहनी ये स्वामी जी की पहनाई हुई है, इन्होंने आशीर्वाद दिया था कि बेटा बहुत बढ़िया, वे छोटी ही नादान उम्र में मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ जी, लेकिन अंदर आत्मा की आवाज को मैं नहीं रोक सकता, जैसे भी स्वामी जी के मुख से वो वाणी निकलती है मैं अपनी कविता में डाल देता हूँ। प्रभु की कृपा है, आपका आशीर्वाद है जी। प्यारे देशवासियों, देखिए युग पुरुष स्वामी रामदेव जी ने योग द्वारा कैंसर जैसे अन्य रोगों से बचा के और देश को रोग मुक्त बनाया है, करोड़ों लोगों की जिंदगी बचाई है। बहुत से लोग नशा छोड़ के और स्वामी जी का धन्यवाद करते हैं, उनके बच्चे दुआ देते हैं कैसे बोला, और करोड़ों मानस नशा छोड़ के हिंदुस्तान में परिवर्तन आ सकता है तो कैसे आ सकता है, अरे भारत में परिवर्तन आ रहे इस संघ का साथ निभाने दे करोड़ों मन भारत में परिवर्तन आ रहे अरे संघ का साथ निभाने सबको फैदे वार लगे अग्नि सार त्रिबंध लगा के पेट के रोग बगान लगे अर्ध मिच जा उज्जाई ते यू आपस में बतलान लगे अनुलोम विलोम ते बीपी आई रे सरका दर्द मिटान लगे सात्विक खाना खाने
उद्गीत करण ते निराकार में ध्यान लगे आदम दे सब जीवों के अंदर भी भगवान लगे योग करे ते राम और कृष्ण ऋषियों की संतान लगे तेरे में रोग न गया जावे गरीब आदमी धनवान लगे चेहरे पे सुख की वर्षा हो भारत में सुख की वर्षा हो भारत में यह लेख सब पढ़े भारत में हरि भरत आवे संत का साथ ये लिख दिया कि स्वामी जी के दिल में एक बहुत बड़ी तड़प है कसक है स्वामी जी क्या करना चाहते हैं क्या करने वाले हैं क्या बता भला विस्ते मुख खेती करवाना विस्ते मुख खेती करवाना स्वामी जी का कहना से गामा में गुरुकुल खुलवाना स्वामी जी का कहना से वैदिक शिक्षा को चमकाना स्वामी जी का कहना से और योग द्वारा रोग भगाना इस स्वामी जी का कहना से की खातिर महापुरुष जब आवे से राष्ट्र के जो देश भगत वो मन ते साथ निभावे से ऋषि दयानंद के अनुयायी सन्यासी को है पावे से वैदिक शिक्षा पावन ने पापा गुरुकुल खलवावे से गुरु ईश्वर का प्यार मिले महावीर आर्य न जाने दे भारत में परिवर्तन बहुत ही सुंदर भाई महावीर जी आर्य ने अपने विचार रखे आचार्य आत्म प्रकाश जी इनके प्रेरक हैं प्रेरणा स्रोत हैं जो अपने आचार्य बलदेव जी महाराज के शिष्य हैं इस अवस्था में इस प्रकार की रचनाएं करना आज कितना युवा वर्ग में विकृतता है दोष आए हैं फिर भी
इस युवा अवस्था में इस प्रकार की कविता करना और एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ करके महावीर जी यहाँ तक आए हैं। ये बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। स्वामी जी का आशीर्वाद इनको मिला है। ये फल और सब्जियों की रेहड़ी लगाकर इतना पुरुषार्थ करके ये परमात्मा ने इनको ये कला दी है, प्रतिभा दी है, ये यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं स्वामी जी महाराज से विनम्र निवेदन करूँगा कि इनको माल्यार्पण कर आशीर्वाद दें आए, और इनके सभी साथियों ने बहुत ही अच्छा पुरुषार्थ किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में हमारे मध्य बहुत ही सुलझे हुए विद्वान गुरुकुल कुरुक्षेत्र का नाम आप सभी आर्य भद्र पुरुषों ने सुना है, वहाँ के संचालक आचार्य देवव्रत जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, उनसे मैं विनम्र प्रार्थना करता हूँ अपने आशीषों से हमें कृतार्थ करें। आचार्य देवव्रत जी कुरुक्षेत्र। हम सब के प्रेरणा स्रोत पूज्य स्वामी जी महाराज मंच पर विराजमान, बहुत ही आदरणीय सभी विद्वज्जन, बहनों और भाइयों, युवा बंधुओं और मातृशक्ति, निस्संदेह भारत धरा ऐसी धरा रही है कि जब जब यहाँ पर अन्याय, अज्ञान, अभाव और ऐसी कुरीतियाँ पैदा होती हैं तो भगवान की असीम कृपा होती है कि कुछ महापुरुष इस धरा पर मानवता को नई दिशा देने के लिए आते हैं। और ये हरियाणा की इस धरती का बड़ा गौरव है, और उसमें भी जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं, आप और हम सौभाग्यशाली हैं कि पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज का जन्म हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर हुआ, और उन्होंने जब चारों तरफ निराशा का वातावरण था, चारों तरफ लोग चिंतित थे कि अब इस देश का क्या होगा, स्वामी जी ने अंगड़ाई ली और न जाने कौन सी सुप्त प्रतिभा इनके अंदर ईश्वर ने प्रदान की कि भारत नहीं अपितु समूचे विश्व में एक क्रांति का सूत्रपात हो गया। और पूज्य स्वामी जी महाराज ने ऋषियों द्वारा जो बहुत काल पहले विद्या दी गई थी, जो लुप्त प्राय हो गई थी, पुस्तकों तक रह गई थी, उस विद्या योग की विद्या को जनमानस तक पहुंचाने का एक बीड़ा उठाया, और केवल योग का नहीं अपितु उसके माध्यम से स्वामी जी ने भारत की समस्त ज्वलंत समस्याओं को उठाया। अनेक लोगों ने कहा कि सन्यासियों का काम राजनीति में आना होता नहीं, स्वामी जी राजनीति में तो गए भी नहीं, लेकिन इन्होंने इस बात का बहुत अच्छी तरह पता था कि जब तक भारत की राजनीति में परिवर्तन नहीं होगा तब तक भारत देश को एक नई दिशा प्राप्त नहीं हो सकती। ये भी भारत का एक सौभाग्य रहा कि नरेंद्र मोदी जैसे एक व्यक्तित्व को स्वामी जी ने उनकी पीठ को थपथपा दिया और इस देश के सामने चुनौतीपूर्ण ढंग से कहा कि अब इस देश की आवश्यकता है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जैसा एक व्यक्तित्व आए। और मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी अपने घर में घिरे हुए थे, यदि स्वामी जी का साथ उनको नहीं मिलता तो देश में क्रांतिकारी परिवर्तन भी नहीं हो पाता। उसके पीछे स्वामी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा और अब चारों तरफ देश में एक आशा का वातावरण बन पाया है। यह सब कुछ स्वामी जी के घोर परिश्रम का परिणाम रहा। आदरणीय भाइयों और बहनों, स्वामी जी ने हर पहलू को छुआ है, कोई ऐसा विषय नहीं छोड़ा कि जो कमजोरी इस देश को घुन की तरह खा रही है उस कमजोरी से इस देश को उबारना है। चाहे वो जैविक कृषि का कार्य हो, चाहे वो गोपालन का कार्य हो, चाहे वो योग विद्या का कार्य हो, चाहे आयुर्वेद का हो, भारत की शिक्षा नीति को परिवर्तन करने का कार्य हो, वो मूल चीजें जिन चीजों के अभाव में देश गुलाम हुआ था,
हजारों वर्ष तक गुलामी हमें भोगनी पड़ी, उन सभी बिंदुओं को स्वामी जी ने छुआ नहीं, अपितु एक आंदोलन खड़ा कर दिया कि आज चारों तरफ एक बहुत सुगंधीदायक वातावरण बनने जा रहा है। इसके लिए मैं समझता हूं हम सभी ने स्वामी जी का बहुत सहयोग करना चाहिए। और एक आज जो नया एक उद्बोधन, एक नया चिंतन, नई सोच और एक क्रांति का सूत्रपात किया स्वामी जी ने, जिसकी बहुत महती आवश्यकता है, वो है आचार्य कुलम का आंदोलन। आदरणीय भाई और बहनों, इस समय जो सबसे बड़ी गंभीर समस्या मेरे देश की है वो है युवाओं के निर्माण की बात। असली चीज मानव के निर्माण की बात है। बढ़िया भवन भी बन जाते हैं, नहरें भी खुद जाती हैं, बढ़िया रेलगाड़ियां भी चलाई जा सकती हैं, कल कारखाने भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन यदि इन सब चीजों का उपयोग करने वाला मानव सही अर्थों में इंसान नहीं है तो इन सब चीजों का कोई मतलब रहता नहीं। भाई और बहनों, ऐसे मानवों का निर्माण स्वामी जी करना चाहते हैं कि जो सही अर्थों में भारत को एक नया क्रांतिकारी जीवन दे सकें। यह बहुत बड़ी गंभीर समस्या इस समय मेरे देश की है। आज मेरे देश का एक बालक सवेरे कंधे पर बस्ता लेकर जब स्कूल की ओर कदम बढ़ाता है, आप सब वाली भांति देखते हैं, गांव की दो सड़कें जहां पर मिली हैं वहीं पर उसे एक शराब का ठेका दिखाई पड़ता है। बालक थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाता है तो वहां पर निरी प्राणी, मुर्गे बकरे काट करके लटकाए, उन सब सीनों को देश का बालक देखता है। थोड़ा कदम आगे बढ़ाता तो नशे में चकनाचूर लोगों को फुटपाथ और सड़कों पर पड़े देखता है। यह जो स्थिति आज मेरे देश के बालक को मिल रही है उससे आप क्या आशा कर सकते हैं? घर में आकर के वो टेलीविजन चलाता है तो आज स्थिति हमारी ये बन चुकी है कि समाचार भी ईमानदारी से बहू बेटी पिता पुत्री एक जगह बैठ करके देख नहीं सकते। चारों तरफ गंदगी का नृत्य दिखाई पड़ता है। कोई बालक टेलीफोन लेता उसमें गंदगी, इंटरनेट देखता उसमें गंदगी, टेलीविजन देखता है उसमें गंदगी, जहां जाता वहीं गंदगी। जब हम बालकों को ये सब कुछ परोस रहे हैं तो उनसे महापुरुष बनने की कैसे संभावना हो सकती है? आज इन परिस्थितियों के साथ चारों तरफ बच्चों को चुनौती मिल रही है। ऐसे समय में स्वामी जी ने एक जो बीड़ा उठाया है आचार्य कुलम का, मैं समझता हूँ सही अर्थों में मानव का निर्माण ही राष्ट्र परिवार समाज का निर्माण है। उसके बिना निर्माण पूर्ण हो नहीं सकता। आज ऐसे लोगों की जरूरत है, ऐसे मानवों के निर्माण की जरूरत है जो दूसरे के हृदय के स्पंदन को अपने अंदर अनुभव कर सकें। आज ऐसे लोगों के निर्माण की आवश्यकता है जो दूसरे के दुख के आंसुओं को अपनी आंखों से बहाने की योग्यता प्राप्त कर सकें। ऐसे मानवों के निर्माण की आवश्यकता है जो दूसरे के घाव को अपने हृदय रूपी मरम से ठीक करने की योग्यता प्राप्त कर सकें। और इस दिशा में स्वामी जी का जबरदस्त ये प्रयास निस्संदेह हम सब के लिए अनुकरणीय है और इस मिशन में बहुत आगे बढ़ने की हम सब के लिए आवश्यकता है। इतना ही मैं निवेदन करूंगा कि आज जो स्वामी जी ने जो मिशन लिया है वो हम सब के कल्याण का लिया है, भारत की संस्कृति के उत्थान का लिया है, वैदिक परंपराओं को बढ़ाने का लिया है। ऋषि दयानंद का जो मिशन जो लुप्त प्राय दिशा में बढ़ रहा था, स्वामी जी ने उसमें भी एक नया सूत्रपात किया है। तो हम सब आर्य लोगों को, हम सब भले सज्जन लोगों को मिलकर के स्वामी जी के इस मिशन में सहयोगी बन करके आने वाली पीढ़ियों के निर्माण के लिए कटिबद्ध होना पड़ेगा। और इसके लिए सही अर्थों में मानव के निर्माण की आवश्यकता है और इस मिशन के बिना वो हो नहीं सकता। पंजाब जैसा प्रांत जो इस देश की सेना में सबसे ज्यादा युवाओं को देता था, आज आंकड़े बताते हैं कि वहां के युवक 70% युवा आज नशे में डूब चुका है। सेना में
आज पंजाब का युवक नहीं भर्ती हो रहा, क्योंकि नशे से ग्रसित हो चुका है, बुराइयों ने उनको लपेट लिया है। आज हमारी युवा पीढ़ी जो इस देश का भविष्य है, जिसके बारे में नरेंद्र मोदी जी भी विश्व में कह रहे हैं कि भारत ऐसा देश जिसमें 70% आबादी युवाओं की है, लेकिन ऐसी फौज युवाओं की फौज का क्या लाभ जो इस धरती को नरक बना रही है। उनको सही दिशा प्रदान की जाए, उनकी थिंकिंग पॉजिटिव कर दी जाए, तो निश्चित रूप से वो हाथ जो आज विनाश का कारण बने हुए हैं, वो हाथ इस देश के निर्माण का भी कारण बन सकते हैं। और ये चिंतन पूज्य स्वामी जी के द्वारा इस संपूर्ण भारत देश में चलेगा, तो मैं आप सब की ओर से, अपनी ओर से पूज्य स्वामी जी को आश्वस्त करता हूं कि जहां हमारी ड्यूटी होगी इस मिशन में, हम सब पूज्य स्वामी जी के साथ हैं। ओम शांति।